प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु माँ, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है, मैं सोलापुर से आया हूँ। जैसा गुरु जी अपना भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के ऊपर निर्भर है, जैसा ही आर्ट ऑफ लिविंग रहे या ईशा फाउंडेशन रहे या जितने भी संस्था है वहाँ पे भी ये सब कुछ होता है, मगर वहाँ पे भगवानों को या पूछते हैं, उनका बहुत से त्यौहार होते हैं। जैसा आर्ट ऑफ लिविंग में दुर्गाष्टमी दशहरे का वो होता है, ईशा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि का होता है, तो आप तो बोलते हैं कि ये सब कुछ अहम है या जो भी है, ये ऐसा क्यों? वो भी स्पिरिचुअल गुरु है, ये तो उनको ही जाके पूछना, लेकिन हमारे यहाँ में पूजने वाला जो पूजे जा रहे इन दोनों को ही ख़त्म करने वाला यहाँ काम हो रहा है। ना पूजने वाला बचना चाहिए और जिससे जो पूजा जा रहा है वो अभी नहीं बचना चाहिए, बाकी उनके कॉन्सेप्ट या परम सत्य की बात सीधी सीधी हो रही है। सत्य की बात, कहीं उलझन नहीं, कहीं अटकन नहीं, कहीं दुविधा नहीं, बात समझ में आ रही है? बाकी आपकी यात्रा कैसे ले जानी है, कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि जिसको पूजा जाएगा और पूजने वाला बच गया दो द्वेत तो खेल खत्म नहीं हुई है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट रहेगा ही, अहम रहेगा ही। अब करवाया जाता है, हो सकता है गुरुओं का अपनी अपनी तरीका होता है, उनकी चित्त की शुद्धि के लिए, मनोरंजन के लिए, चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए करवा रहे हैं, हो सकता है अंत में कहेंगे ये भी छोड़ो। अच्छा, अंत में छोड़ो, जैसे आपको एक्सरसाइज करवाया जा रहा है, सांस पे करवाया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है, तो ये भी तो एक किसी का सहारा ही लिया जा रहा है, अंत में विलीन हो जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएगा, पकड़े नहीं रहना। ठीक है, बात समझ में आ गई? हो, एक आधार है, एक आधार है उसका, वो आधार है, आधार लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, बीच में वो बाद में छोड़ देना, आधार है, लेकिन आधार छूट जाना चाहिए, निराधार पे पहुंच जाना चाहिए। हाँ, वही, जिसका कोई आधार नहीं है उसमें पहुंच जाना है। हाँ, पहुंचने का मतलब है आप नहीं रहोगे, आप नहीं रहोगे तो पूजोगे किसे? बात आ जाएगी धीरे धीरे धीरे, जब पूर्ण स्थिति आती है तो क्वेश्चन भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला रहता नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद।